महू के किशनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मनाल होटल के पास से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीन आरोपियों को चोरी की गाड़ी बेचते हुए पकड़ा है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। किशनगंज टीआई शशिकांत चौरसिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि तीन नाबालिग लड़के एक पल्सर गाड़ी को बेचने का सौदा कर रहे हैं। यह तीनों नाबालिग पीतमपुर के निवासी हैं, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपियों के साथ एक गाड़ी खरीदने वाले धीरज नाम के युवक को भी पकड़ा है। धीरज चोरों से 25,000 में गाड़ी खरीद रहा था, जबकि इस गाड़ी की बाजार में कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कल पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी शाम के समय कि तीन लड़के जो कि नाबालिग हैं पीथमपुर के, और एक व्यक्ति एक चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल बेचने खरीदने के लिए मनाल होटल के सामने खड़े हैं। सूचना पर दबिश की कार्रवाई की गई थी, जिनमें से तीन जो नाबालिग लड़के और एक व्यक्ति जिसका नाम धीरज सिंह पिता श्याम सिंह निवासी बनारस है, हाल में वो पीथमपुर बगदून में रहता है, इन लोगों को एक पल्सर मोटरसाइकिल है पल्सर NS 200 CC की, उसके साथ पकड़ा गया है। और जिसमें खुलासा हुआ है कि ये गाड़ी द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में कहीं से चोरी की गई थी, करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत है इसकी बाजार की कीमत, और इसको 25,000 रुपए में मात्र में खरीदने की बातचीत चल रही थी, जिस दौरान पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी जब्त कर ली है। सर कहाँ भेज दी जा रही थी गाड़ी? गाड़ी बगदून क्षेत्र में रहने वाले जो धीरज पिता श्याम नारायण सिंह है, उसको बेची जा रही थी गाड़ी। सर इनसे जांच के दौरान तो और भी केले के मामले सामने आए क्या? नहीं, अभी ये चूंकि कम उम्र के हैं और नाबालिग हैं, अभी इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है। हम और पता लगा रहे हैं बगदून थाने से और पीथमपुर थाने से जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज़, महू।